सुबह के बजे 4 और मर्व जा रही है वापस। मर्व कम बैक सून। ओके मर्व, ओके कम बैक सून। ये मर्व का सारा सामान, ये लो सचिन पे रख दो उसको। ओके मर्व, डोंट फॉरगेट टू मैसेज मी। ओके, आई विल नॉट। और यहाँ अभी तक टैग लगा हुआ है हमारी शादी वाला, लखन एंड नीतू। बाय गिरी भी गई वीडियो बनाते बनाते। बाय मैम, टेक केयर। ओके सिस्टर, इफ देयर इज एनीथिंग जस्ट लेट मी नो। आई विल। बाय बाय। बहुत बुरा लग रहा है यार, मर्व के जाने से लग रहा है पता नहीं क्या एम्प्टीनेस सी लाइफ में। अभी थोड़ी देर सोएंगे क्योंकि सुबह के 4 ही बज रहे हैं। मर्व चली गई है, फिर सुबह उठ के दोबारा बातें करेंगे आपसे। अरे वाह, अब उठने क्या फायदा है? अब उठने का फायदा है, इसी के पास उठ के गई है वो। गुड मॉर्निंग गाइस, आज की ताज़ा खबर ये है कि यश बेचारा इस पे पैसों की तंगी है तो देखो ये वर्ल्ड टूर कैसे करता है। यहीं पर बैठकर जापान घूम रहा है, यूट्यूब पे लगाता है जापान 4K, जापान 8K। अच्छा 8K वर्जन में घूम रहा है जापान के तो है, ताकि ऐसा लगे बिल्कुल रियल में घूम रहा है। अब क्या करेगा पता है, इसी टीवी के सामने खड़ा होकर फोटो खींचेगा, सेल्फी, पीछे जापान दिख रहा होगा ताकि लोगों को लगे कि जापान में घूम रहा है। और फिर लगता है ट्रैवल हॉलिक। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। वही वाह। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। नई नई बहू जो है चुकी हूँ मैं, उठ चुकी हूँ क्या, रेडी भी हो गई हूँ। तो मैं वेट करी क्योंकि पाई भी घर पर नहीं है, और पाई जब घर पर नहीं होता है तो घर बहुत सुना सुना लगता है। मॉम बेसमेंट में है, मैंने अभी देखा। हमारा ऑस्कर बैठा हुआ है यहाँ पर और बड़ा अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह नहा कर रेडी होना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। पूजा भी हो गई है, अब चलते हैं मॉम के पास। हाय रिकी, गुड मॉर्निंग। और कल हम लेकर आए थे घेवर, खूब सारा घेवर है यहाँ पर। पानी पूरी भी आई थी, पानी पूरी सबकी फेवरेट है, सबकी। पहले हम जा रहे हैं नीचे और मॉम को देखते हैं कि मॉम कर क्या रही है नीचे। हेलो मॉम, गुड मॉर्निंग। मॉम ने बखेड़ा फैला रखा है, बखेड़ा नहीं फैला रखा, संभाल नहीं इस बखेड़े को। नमस्ते मॉम। इस बखेड़े से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, फैला दो लाला के सामान। गाइस अभी क्या हुआ गोलू, ये देखो पूछी और शीरो खेल रहे हैं बहुत पागलों की तरह। ये कुछ ना कुछ तोड़ना दे मॉम तो। ये हाथ नहीं आ रहा गुची और शीरो के। गुची को आदत हो गई है यहाँ पर सोने की, एंड आई एम वेरी हैप्पी। गाइस मुझे ना अभी यहाँ पर सामान शिफ्ट करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे बार बार उधर भागना पड़ता है कपड़े लेने के लिए और ये सब लेने के लिए, अलमारी ठीक करनी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को। हमारे लंच इतने हो रहे हैं, डिनर इतने हो रहे हैं। तो गुची को लगा कि हम लोग ना, मैं जा रही हूँ बाहर। यहाँ पर अभी भी लखन के कपड़े हैं और मेरी सिर्फ ये जगह खाली हुई, ये स्पेस है मेरे पास अभी, वो भी नहीं है। वहाँ पर भी लखन के कपड़े हैं, तो मुझे यार अपना स्पेस बनाना है बहुत सारा। अब मेरी कुछ साड़ियाँ हैं, सुधीर आ गया है सेट करवाने। गुची भी चाहता है कि मम्मा जल्दी से यहाँ पर प्रॉपरली शिफ्ट हो जाएं, सो दैट गुची के भी कपड़े यहाँ पर आ जाए। गुची मम्मा के तो आ नहीं पा रहे हैं, आपके कैसे आएंगे बेटा? चल सुधीर, कर दे छलांग लगा दे। सारे ठंड के कपड़े यहाँ से निकाल के हम बेड में रख रहे हैं अब। और बहुत ही बच बचा के मैं आज का लुक दिखा दूँ। ये है ड्रेप साड़ी जो मैंने पहनी है, बहुत कम्फर्टेबल है, बहुत अच्छी है। खूब सारा मेकअप पोत के मैं बैठी हूँ, मजाक कर रही हूँ, मैंने मेकअप नहीं किया। और ये हैं हमारे पति देव जो कि हैं बहुत ही ज्यादा आलसी। वाई सो लेजी। मेरे को गुची की टेंशन हो गई थी बस। गुची ठीक है, देख कैसे बैठा है। नोबडी नोज गुची को क्या हुआ था, बताया तुमने? क्या उदास हो गया था, बस उदास हो गया था बहुत ज्यादा। गुची ना जान है, देखो देखो मुझे दिख रहा है। लेकिन क्या ये डॉगी यहाँ पे चल, ओहो हो, ये देखो 5 रुपए में चल के दिखाएगा। जी हाँ, यही कुत्ता 5 रुपए में चल के दिखाएगा। नो, इसको खेलने का मन है आज। बड़ा अच्छा लग रहा है गुची को सोता हुआ देखकर। लखन को बड़ी मुश्किल से नहाने के लिए भेजा है और गुची महाराज यहाँ पर सो गए हैं। गुड। यार शादी की भाग दौड़ में फेस काफी डल हो गया है और स्किन पर डार्क स्पॉट्स भी आने लगे हैं। ये परफेक्ट टाइम है कि अपने फेस को विटामिन सी का जादू देना चाहिए। एज वी ऑल नो, विटामिन सी कितना हेल्पफुल है हमारे फेस के डार्क स्पॉट्स हटाने में और हमारे स्किन टोन को ब्राइट करने में। क्योंकि विटामिन सी ना बहुत माइल्ड होता है स्किन पर, ये एकदम फ्रेश आपके फेस को बनाता है, एकदम ब्राइट कर देता है। ऑल्सो इसमें कॉलेजन होता है, तो कॉलेजन जिन लोगों को नहीं पता, कॉलेजन की वजह से ही हमारे फेस में एजिंग दिखने लगती है। मतलब अगर कॉलेजन कम हो जाता है स्किन में तो हमारी एज दिखने लगती है, रिंकल्स पड़ने लगता है स्किन पर। तो हमें कॉलेजन हमेशा मेंटेन करना चाहिए। तो उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो वाओ स्किन साइंस ब्राइटनिंग विटामिन सी फेस वॉश, ये हेल्प करता है आपकी स्किन को ब्राइट करने में और जो एजिंग स्पॉट्स होते हैं उनको फेड करने में, बिकॉज इसमें है मलबरी और लिक्विडाइज एक्सट्रैक्ट प्लस विटामिन सी, लेमन, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल्स। इसको आप एकदम नॉर्मली यूज कर सकते हो। देखो कैसे, है ना कमाल की चीज। फेस की सारी डर्ट गायब हो गई और स्किन एकदम फ्रेश हो गई। अभी एक और चीज, अब बारी आती है वाओ स्किन साइंस विटामिन सी फेस सीरम की। तो इसको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इसको सबसे पहले आप अपनी पाम पर लीजिए और अभी आपको क्या करना है, इसको ये अपनी स्किन पे डॉट डॉट टाइप के ऐसे बना देना है। इससे क्या होगा ना, हम अपनी स्किन पर इवनली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इसको आप डैप भी कर सकते हो ताकि स्किन के अंदर अच्छी तरीके से चला जाए, पूरा एब्जॉर्ब हो जाए स्किन के अंदर। तो मेरी स्किन के अंदर पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है। That's it, है ना एकदम वाव चीज। अब मुझे डार्क स्पॉट्स और स्किन टोन की कोई परवाह नहीं। आप लोग भी पीछे मत रहिए क्योंकि टेकिंग केयर ऑफ अवर स्किन शुड बी अवर प्रायोरिटी एंड बी वाव नेचुरली। तो आप भी वाव स्किन साइंस के विटामिन सी फेस वॉश और विटामिन सी फेस सीरम जल्दी से ऑर्डर कीजिए एंड यूज माई कोड LAKNI20 जिससे आपको मिलेगा सीधा 20% ऑफ। तो हरी अब मैं भी आज बहुत जल्दी नहा लिया हूँ, नहा के निकला हूँ। देखो दोनों माँ बेटे कैसे पड़े हुए हैं और देखो गुची आँख एक खोल के देख रहा है। कितना क्यूट है यार ये। चलो भाई अब हम चल रहे हैं डेलकोट और नीतू चली जाएगी आज डेली वीडियोस बनाने और मैं करूंगा आज, बट मैं अपने घर नहीं जा सकती, काम डन, क्योंकि काला महीना लग गया। मम्मी ने बोला 15 दिन यहाँ है वहाँ, तो मैंने बोला यहाँ। यार मैं कितना बुरा इंसान हूँ, कोई अपनी साली के साथ ऐसा करता है। बेचारी आराम से मजे से यहाँ से सो रही है पिछले 4 घंटे से, काम धाम कुछ करना नहीं। मैंने उठा के नीचे पटक दिया, अब यहीं लेटी हुई है। उठ जाओ बहन, उठ जाओ, उठ जाओ, समाज मुझे पापी कहेगा। पापी सो जा फिर, आ जाओ। हम लोग आ गए हैं यहाँ पर काम करने। लखन के अंदर मीटिंग चल रही है, हमने लखन को अंदर छोड़ दिया। और सुधीर ने मुझे कुछ दिखा, सुधीर दिखा फटाफट, ये देखो हमारे सुधीर दूल्हे राजा। सुधीर तू ये कहाँ देख रहा था और ऐसे क्यों देख रहा था? ऐसे सुधीर कल गया था चांदनी चौक, है कैसा लगा मार्केट? बहुत बकवास। क्यों? बहुत भीड़, बहुत भीड़। तेरे को मगर मिले नहीं मिले कपड़े जो तू चाहता था? वो मिले, आधा हुआ आधा नहीं, आधा हुआ है आधा नहीं हुआ है। तो इसकी शॉपिंग हो रही है शादी की। कब है तेरी शादी, सबको बता दे। 5 मई से स्टार्टिंग है, 11 मई को खत्म। ऐसे क्या है? शादी की डेट बता बस। मेरी 5 मई को। 5 मई को, चलो अच्छा। गाइस की शादी है 5 मई को, सबको आना है, सबको आना है ना। तुषार, रोहित, तुम तीनों सुन लो, तुम तीनों को जाना है इसकी शादी में, ठीक है? और ये देखो ये क्या चल रहा है तुम्हारा, गोलगप्पे पार्टी। घर से खा के नहीं आते दोनों, काम करो यहाँ पर। देखो इनको, इनकी आदत बहुत खराब है। कल बुलंदशहर से भागते भागते सिर्फ ये लेने गए थे और बोल रहे थे वीडियोस बनाएंगे, मगर इनको खाने हैं। गाइस हमने दो वीडियो कंप्लीट कर ली है, एक फेसबुक, दोनों फेसबुक की है। और अब हम करें थोड़ा सा रेस्ट, लंच का वेट करें कि लंच आएगा, हम लंच करेंगे। और वीडियो कंप्लीट करते हुए हम बुलंदशहर कर गए थे, वहाँ से पानीपुरी काफ़ी सारी लेकर आए थे, हमें वही खाते खाते वीडियोज़ बनाई है। मतलब है ना भाई कितना अच्छा हो गया ना, खाना भी खा लिया और हमारी वीडियोज़ भी बन गई। वो तो है, इसको खैर लगता तो है नहीं। एक इसने वीडियो डाली है इंस्टाग्राम पर, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी फेक वीडियो है, इतनी फेक। तूने वो वीडियो बनाने से पहले क्या सोचा था? मैं, मेरे को गाना समझ नहीं आ रहा था इसलिए। तूने इतनी फेक वीडियो बना देगी फिर तू? फेक क्या है इसमें बता? फेक उसमें अभी आपको कमेंट से बताना है इसमें फेक। देखो आवाज़ कम कर एक मिनट जल्दी, देखना क्या था ये। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। नहीं था क्या ये, कोई भी शॉर्ट्स लेके इसने डाल दिया है, ब्लॉग से निकाला। और ये भी कुछ कम नहीं है, इसका भी दिखाती हूँ मैं आपको। इसने भी ताजमहल का डालना था तो मैंने वो डाल दिया, गाना भी मिल गया मुझे। और इसने क्या किया है, इसका मैं सीन आपको दिखाती हूँ। ये जो बैठा है महाशय, ये देख लो इसे। साउंड हटा देना अनिकेत, वरना हमें कॉपीराइट आ जाएगा। अभी देखना, अभी देखना, अभी देखना, अभी देखना। ये ऐसी एक्सप्रेशन है लोगों के। कहाँ से एक्टिंग सीखी है? गुरुजी हमें भी सीखनी है वहीं से। जो मैंने लिखा था नेशनल एकेडमी से सीखी है। ओह, एनएसडी से सीखी है। गुड। सच में यार एक से एक कलाकार है घर में। सो गाइस अभी यहाँ व्लॉग की एडिटिंग चल रही है। मैं अचानक से देख रहा हूँ भम्मू यहाँ पर आई हुई है। भम्मू खुद बताएंगे क्यों आई हुई है। मम्मी क्यों आई हो यहाँ? चेक करना है मेरा क्या काम हो रहा है, मेरा भी हो रहा कुछ नहीं। अब भाई साहब इन्होंने अपना रेड वाला फोन यहाँ रखवा दिया है और अब अनिकेत की ड्यूटी लगी है कि इनके भी रील्स एडिट। आपकी 3 कर दी है उसने, 3 आज पर एकदम थोड़ी डालोगे मैं, ये देखो ना। अरे भाई डली है क्या? फोन देखो अपना, अभी मैंने करा ही नहीं चेक। ये फोन तो यहाँ चेक कैसे करोगे? देखो कितना प्यारा एडिट करा। तो डाल दो, आ जाओ भाई आ जाओ आओ, अब सरप्राइज मिलने वाला है। आंटी नमस्ते। नमस्ते। फेंक मारी मैंने आज। ठीक है भम्मू सिंह, गुड बाय, वहीं मिलते हैं। पोता कहाँ आपका पोता? देखो कैसे है वो। हमारे यहाँ एक वो होता था जूजू के, मामू के, तेरे यहाँ भी होता था ऐसे धुलाते, ऐसे झुलाते हैं। आज हमें दिल्ली जाना था बट हम दिल्ली गए नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे। मैं अभी जिम से आ रही हूँ शूट कर कर, काफी हम लोगों ने शूट किया है आज। और मेरा गुची यहाँ पर है, उसको अपने घर जाना है। चले शीरो के पास, अबे को शीरो की आदत हो गई है। तो आज मैं और मम्मी जा रहे हैं शॉपिंग पर। शॉपिंग पर कपड़े वपड़ों की नहीं, जो हमारे घर का हाउस होल्ड आइटम जो होते हैं वो खत्म हो गए, जिनको FMCG बोलते हैं। अच्छा आज पूछते हैं नीतू से। नीतू बता FMCG क्यों बोलते हैं उसको? किसको? वो सामान को, जैसे कि फेस वॉश, साबुन, इन सब को, हाउस होल्ड सामान को FMCG। फैमिली नहीं, मेंबर FMCG, फैमिली मेंबर, चपड़गंजू, जी से गंजू हो गया ना, जी से गंजू। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है। चपड़गंजू, हाँ। फैमिली मेंबर चपड़गंजू। तो ये तू इसको गाली क्यों दे रही है? इसका मतलब थोड़ी FMCG। FMCG का मतलब क्या होता है गाइस? आप लोग जरूर कमेंट में बताना। टिक-टिक 1, टिक-टिक 2, टिक-टिक 3। ओके, FMCG का मतलब होता है फास्ट एंड मूविंग कंज्यूमेबल आइटम्स, जो कि बहुत जल्दी कंज्यूम होते हैं घर में, तो उनको FMCG आइटम्स बोलते हैं। उसी की शॉपिंग करने जा रहा हूँ। तो भम्मू आ गया हमें लेने। साइड हो जाओ यार। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं लाया हूँ ये माउस पैड, जो कि हमें बहुत टाइम से चाहिए था, इधर था नहीं। तो ये है नीतू की जो पेंसिल लेकर आया हूँ, क्योंकि इसको जो मैंने iPad गिफ्ट किया था, इसको पेंसिल की बहुत नीड है। भगवान जाने क्या काम करने वाली है। तो नीतू आ गई है घूम कर और नीतू को उसका नया खिलौना मिल गया। तो क्या कर रही है? मिटा क्यों दिया? हैंडराइटिंग बहुत गंदी है। गंदी हैंडराइटिंग? शर्म आती तेरे को? खुद को? मुझे क्यों आएगी शर्म? तेरे को हिचकी आया जा रही है। पानी भी फैल दो। ये ले, मुझे कोई याद कर रहा है, मेरे जाने वाला मुझे याद कर, ये ले। हमारे सारे यूट्यूब और फेसबुक फैमिली याद करी तेरे को। ले पी जा, अब देखना कितना सा पिएगी ये। अब इसको खेल करना कि मैं लेके बैठा रहा हूँ और बस ऐसे आधा घूट पीती रही। नीतू लखन रावत। अच्छा देखना कैसे लिखा मैंने, ए देखो। हाँ भाई यही तो राइटिंग है। नीतू की राइटिंग पढ़ के किसी को लगेगा कि यार कितनी बड़ी डॉक्टर है ये। देखा? अब चलें घर चलें, और भी सामान लाए, उसको भी खोलना है। चल चलो चलते हैं। सुधीर गुजी को पट्टा पहना दे भाई, इसको लेके जाते हैं अब इसके असली घर, जहाँ पे शीरो से मिलेगा। क्या ये गाड़ी इतनी ब्लू ब्लू की दिखाई दे रही है मुझे? 2 3 आएगा ही नहीं वो। आजा, हम लोग चल रहे हैं बेला पर। आजा बेटा आजा, शैतान। और सबसे पहले आती मैं खाऊंगा मेरा फेवरेट घेवर, जो कि बुलंदशहर में कालीचरण से हम लेकर आते हैं। बहादुर भाई को भी बहुत पसंद है ना बहादुर भाई? यस। यहाँ पर चल रहा है डिनर। वाह इस टाइम ब्लॉगिंग कर रही है कीर्ति रावत, बिकॉज मैं बना रहा हूँ नीतू। यार मेरे होंठ इतने मोटे क्यों बना रहा है? ऐसे तो नहीं है मैंने। हमें थोड़े से दिखाना भी तो पड़ेगा यार। मैं बहुत बड़ी व्लॉगर हूँ ना। सोनी जी हमारी बहुत बड़ी व्लॉगर है। लगन जल्दी करो, इतनी देर ज्यादा नहीं बैठ सकती मैं। लगन जल्दी करो यार। नहीं तो बहुत हिल रही हो यार, मत करो ना। इतनी बुरी तो मैं नहीं दिखती हूँ। या तो तुमने खुद को देख लिया हो उसने क्या बनाया है। लगन क्या नाटक है ये? होठ ऐसे खोल के बहुत देर से बैठी रहती है बोलने के बाद। अगर बोर तो नहीं हो रही हो? बोर हो रही हो? लगन क्या नाटक है यार? ऑस्कर की एक्टिंग करके दिखाता हूँ। A few moments later. हुसैन जी यहीं आए। ओके, लखन ने कंप्लीट कर दिए। गाइस प्लीज रेट करना कि मैंने नीतू कितना एक्यूरेट बना पाया हूं मैं। दोनों साथ में लग गाइस, लखन ने दोनों साथ में रखना यार, ताकि हम ऐसे दिखा सकें। और अच्छा एक मिनट गाइस, मुझे ये जानना है ये चीज क्या है। ये ये चीज क्या है? ये है जो तेरे डिम्पल से जाते हैं पूरे टाइम। और मेरे होंठ ये कैसे बनाया तुमने? मेरे होंठ ऐसे हैं। देख ले होंठ कैसे इसके, इसने बना के दिखाए। मेरे होंठ ऐसे हैं, मेरे होंठ ऐसे हैं अच्छे से। और ये देखा बड़ा पाव जैसे होंठ देखे किसी किसी से बना के दिखाए हैं। और मेरी तो जुल्फे भी निकल रही थी। गाइस आर्टिस्ट कितना एक्यूरेट बनाया मैंने यार, बहुत ही बुरा। अब तुम्हारा फेस बनाती हूँ। चेंज हो गया है, आर्टिस्ट बन चुका है और आर्टिस्ट हमारी कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। नहीं तो जितने सच में बाल होते हैं उतने ही नहीं बनाने होते हैं, वो काउंट करके बना रही है। नहीं जल्दी कर दे अभी मैं। अच्छा तुमने जो बेबी नहीं इतनी देर नहीं बिठाया था मैंने। तेरे आईब्रोज तेरे बालों से ज्यादा है इसकी ड्राइंग के हिसाब से। हो गया ना तू यार पागल है क्या? रुक जाना। 9 8 7 6 5 4। ये तुम सोनियो क्यों बना रही हो? 3 2 1 हो गया। लेकिन पता है तू अगर इधर नहीं भी देख रहा होता ना तो भी ये देखो ना कुत्ते तरह यार जीभ निकाल दिया। देखो ना गजब बेइज्जती है। एकदम सेंटा क्लॉज जैसा बनाया। लखन ऐसे वो पहन के रहता है, ड्रेस पहन के रहता है लेकिन नहीं चल रही। अब आप बताना किसकी ड्राइंग अच्छी थी। यहाँ पर ये डोरेमोन देख रही हैं और पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप मेरे बारे में लिख रही हैं। देख लो तुम अपनी बहन को यार, यही तो देखी नहीं जाती। गजब बेइज्जती है। जल्दी शादी में लखन कितना सच लिखा है मैंने इसके बारे में। हैंडराइटिंग देख लो डॉक्टरों से भी बुरी। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। बाय बाय, कल मिलते हैं।